हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एनडीए या जेई में आने वाले ट्रिगो के क्वेश्चन को आप 10 से 20 सेकंड में कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आज का, जिसमें बोला गया है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से लेके अल्फा एन का जो एंगल है वो 0 से ज्यादा और पाई बाई 2 से कम है। 10 अल्फा 1 इंटू 10 अल्फा 2 से लेकर 10 अल्फा एन, इस नब का मल्टीपल अगर 1 के इक्वल है तो कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2 से लेकर कॉस अल्फा एन का मल्टीपल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए कि 10 अल्फा 1 इंटू 10 अल्फा 2 इंटू 10 अल्फा एन का प्रोडक्ट 1 के दे रखा, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा एन, सभी का सभी कितना होगा 45 डिग्री होगा। तभी तो 1 का मल्टीपल n बार करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इतना पता चल गया कि सभी एंगल क्या है 45। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cos 45 इंटू cos 45 एंड सो ऑन इंटू कॉस 45। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कॉस 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन में रूट 2, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है n बार, तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 1 बाई 2 रेस टू दी पावर n, ये ऊपर चला जाता है 10 2 की पावर माइनस n बाई 2 आ जाएगा बच्चों, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पावर माइनस n बाई 2 जो कि कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 के इक्वल है तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा क्या। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से 10 से 20 सेकंड। मेथड वन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या कर देना है, स्क्वायरिंग कर देना दोनों तरफ, तो दोनों स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेथड टू इससे भी आसान होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, 2 ही आएगा, इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आएगा। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा, अब प्लस 2ab करेंगे तो ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वो फिर से कट जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, अब फिर इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर इधर माइनस कर देंगे तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा इसका भी 2 आ जाएगा। तो उसी तरह से एक बार और स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 8 थीटा, अब प्लस में 2ab करेंगे तो 2 ही बचेगा और आंसर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये फिर से माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। इसे मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं, एकदम सिंपली बच्चों ये आपको देखना होगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर 2 के इक्वल है तो वो एंगल ढूंढ लो, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, साइन 1 होता है और कॉसेक भी क्या होता है 1 होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं तो साइन 91 और कॉसेक 90 भी क्या होगा 1, 1 प्लस 1 2, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इससे पता चल गया थीटा हमारा क्या है 90, तो यहाँ पर साइन 91 1 की पावर 8 और प्लस में कॉसेक 90 भी 1 1 की पावर 8, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यहाँ से भी सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या बोला, 10 अल्फा और 10 बीटा हमारे पास दे रखा है और हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। बच्चों आप आंसर में देखिए, कहीं पर m नहीं है, कहीं पर m नहीं दे रखा आंसर, मतलब ये क्वेश्चन m से इंडिपेंडेंट है, तो हम m की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं और ऐसी वैल्यू लो जिससे अल्फा बीटा डायरेक्ट निकल जाता, सीधे सीधे दिख रहा है। अगर आपने m को जीरो ले लिया, m को जैसे जीरो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, यानी अल्फा कितना हो जाएगा जीरो डिग्री, और यहाँ पे एम को जीरो डालेंगे तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ जीरो डालेंगे तो 1, यानी बीटा हो जाएगा 45 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0 प्लस 45 यानी कि 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा, 10 स्क्वायर अल्फा अगर इसके इक्वल है तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई। बच्चों देखो इसको भी मेथड दो मेथड से कर सकते, सबसे पहले इजी मेथड ले लेते हैं बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं, मेथड वन में हमें ये चीज़ दे रखा और इसकी वैल्यू निकाल लेते, क्यों ना हम अल्फा की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे निकाल लें। हम क्या करते हैं, ई को पुट कर देते हैं, ई को जीरो के इक्वल, अगर ई को हम जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो मिल जाएगा हमें अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हमें मिल जाएगा, बस अब इसमें 45 डिग्री डाल दीजिए, sec 45 होता बच्चों रूट 2, अब प्लस में tan 45 होता बेटा 1, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, और cos cosec 45 होता है ये भी होता है रूट 2,
ये हो जाएगा रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू की पावर वन और वन बाई टू कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू। तो ऑप्शन में ई की जगह जीरो डालने पे किस में आ जाएगा, टू की पावर थ्री बाई टू, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ई की जगह जीरो डालेंगे तो आ जाएगा आंसर टू की पावर थ्री बाई टू, जो कि आंसर थर्ड होगा। ये तो होगा ट्रिक मेथड वन, जिससे एकदम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखा, टेन एक्स अगर बी बाई ए के इक्वल था, इसकी वैल्यू क्या होगी। पहले सुपर ट्रिक से करते हैं जिसमें 10 सेकंड से 20 सेकंड में आंसर आ जाए, उसके बाद मैं बेसिक तरीका भी बताऊंगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 10x हमारे पास b बाई ए दे रखा था, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, तो क्यों ना हम b और a को कुछ लेट कर लेते हैं। अगर हम b को लेट कर लेते हैं 0, तो 10 और a कुछ भी हो जाए, तो b को हमने 0 लेट करा, तो 10x किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x भी क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमें क्या करना है, x जीरो यानी b को जीरो लेने पर क्या आ रहा है, x जीरो आ रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें b की जगह पे जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो a अपॉन a वन हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट वन प्लस में अंडर रूट वन, यानी आंसर क्या आ जाना चाहिए, टू आ जाना चाहिए। यानी हमें ऑप्शन में ये देखना है कि x इज इक्वल टू जीरो डालने पे किस में आंसर टू आ रहा है। तो बेटा x की जगह पे जीरो डालेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये ऑप्शन गया। x की जगह पर जीरो डालेंगे तो cos 0 1 और cos 0 1, तो 1 अपॉन 1 1 और ये 2, तो बिल्कुल सही जवाब होगा सेकंड, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो जीरो डाल ही नहीं सकते, यहाँ जैसे जीरो डालेंगे cos 0 1 और यहाँ भी cos 0 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 जो कि सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगर इसे हम बेसिक तरीके से करना चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये मैथड टू है, देखो मेथड वन बिल्कुल आसान था, और ये इससे मल्टीप्लाई होता क्या आएगा, ए माइनस बी, और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट में ही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी से बी कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, टू ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको क्या दे रखा था, टेन एक्स को लिख दीजिए साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये मेथड टू है, इज इक्वल टू बी बाई ए, तो आप एक पल के लिए साइन एक्स को बी ले लो और कॉस एक्स को ए ले लो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, टू और कॉस एक्स की ए की जगह कॉस एक्स लिख दीजिए, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे लिख दीजिए ए की जगह पे कॉस एक्स यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, अब बी की जगह पे साइन एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस टू एक्स होता है, तब भी आपका आंसर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस टू एक्स, तो इसका आंसर यही है, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें 10 अल्फा और 10 बीटा दे रखा है, और हमसे अल्फा प्लस बीटा निकालना, अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, बट हम बिल्कुल इजी बना सकते हैं एक्स की वैल्यू को पुट करके। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक्स की वैल्यू को क्या लेट कर लेते हैं बच्चों, जीरो, सबसे आसान है जीरो लेट करना, तो टू की पावर जीरो क्या आ जाएगा, ये वन हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये वन हो गया, वन प्लस वन टू, टू की पावर माइनस वन कितना हो जाएगा, वन बाई टू, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू। यहाँ भी हम जीरो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो डालते ही क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस टू हो जाएगा टू, यानी कि थ्री, थ्री की पावर माइनस वन, यानी कि टेन बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वन अपॉन में थ्री। और हमसे अल्फा प्लस बीटा निकाला है, तो हमने क्या कर लेना है, पहले निकाल लेना है टेन अल्फा प्लस बीटा, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा अपॉन में वन माइनस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री अपॉन में वन माइनस वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा फाइव बाई सिक्स, और नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव बाई सिक्स, यानी वन आ जाएगा। और टेन वन कब होता है, जब एंगल किसके इक्वल हो, 45 के, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 45, यानी पाई बाई फोर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, हमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला वाले वीडियो में बताया था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जब भी लिखा मिले तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस हिस्से का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ
9 प्लस में 16 यानी कि कितना हो जाएगा 5। इस हिस्से का मैक्सिमम वैल्यू होगा 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी बच्चों कितनी 7 और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो होगा -5 और प्लस में 2 यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 3। ये आंसर है, मैक्सिमम 7 होगा, मिनिमम क्या होगा माइनस का 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये जेई में आने वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इसमें बोला गया व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों काफी अच्छा है, इसमें क्या बोला गया व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। बच्चों हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चे 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो हम क्या करें इस फंक्शन में एक बार साइन की मैक्सिमम वैल्यू डाल के देख लेते हैं, 1 डाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -4 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। एक तो वैल्यू ही आ जाएगा, एक बार -1 डाल के देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 डालेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे डालेंगे 1 तो ये 1 हो जाएगा यानी कि एक वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब हो गया पता, सबसे ज़्यादा वैल्यू 6 मिलेगी या सबसे कम वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -2 यानी ये फंक्शन -2 से 6 के बीच में ही लाई करेगा इसकी वैल्यू।